आते आप लोग? अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते हैं भाई? क्यों ना पढ़ने तो पढ़ाते नहीं है, लेटरिंग करने भी बहुत। ओके दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपको वो खबर दिखाने वाला हूँ जो बड़े बड़े पत्रकार नहीं कर पाए, झारखंड के एक विद्यार्थी ने वो कर दिया। छोटा सा बच्चा है जिसकी आयु होगी 9 से 10 साल के करीब, वो एक स्कूल में पढ़ता था, आज उस स्कूल में उसने पूरी पोल खोल दी और एक पत्रकार की तरह, एक सच्चे पत्रकार की तरह उसने ये चीज़ें दिखाई हैं। हाथ में प्लास्टिक की बोतल, उसको माइक समझ के उस पत्रकार ने, मैं उसको पत्रकार ही बोलूँगा क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार वो नहीं कर रहे हैं, उनको शर्म चाहिए कि जो काम उनको करना चाहिए था छोटे बच्चे वो काम कर रहे हैं और वो पत्रकार को बता रहे हैं कि बाबू आप नहीं दिखा रहे तो हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए स्कूलों की स्थिति कैसी है और इस बच्चे ने क्या क्या दिखा दिया है। इस बच्चे ने पूरी पोल खोल दी स्कूल की, हालांकि ये अब उस स्कूल का विद्यार्थी नहीं है, पहले था लेकिन अब उसका छोटा भाई उस स्कूल में विद्यार्थी है और इस बच्चे ने किस प्रकार से उसकी पोल खोली, पूरा वीडियो देखिएगा, फिर मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। स्कूल में पढ़ने आते आप लोग? अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते हैं भाई? क्यों ना पढ़ने तो पढ़ाते नहीं है, लेटरिंग करने भी बहुत तकलीफ होते हैं। और पानी का व्यवस्था क्या होता है? पानी वहाँ बहुत दूर जाने पड़ता है। और इधर देखा कैमरा मैन, इधर आ रहा हूँ देखिए। अभी लैट्रिन का व्यवस्था मैं बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार, ये देखिए क्या क्या है लैट्रिन में। अब देखिए यह है लैट्रिन, कैसा है स्वच्छ भारत अभी चल रहा है अभियान, तो कैसा है स्कूल है, बच्चे को बाहर भेजते है, कैसा है स्वच्छ भारत किसा कहते हैं हम लोग। और तो गया हम कैमरा मैन उधर से कहे चप्पाकल भी अभी तक कोई नहीं हुआ है, चप्पाकल में अभी कोई नहीं हुआ है। देखे पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग, यह देखे जंगल है स्कूल में, कैसा यह सरकार है कैसा ध्यान। अब इधर जा रहा है, अब बताता जा रहा हूँ इधर तक है कैमरा मैन, रूम में क्या भरा है देखिए, यह रूम में क्या भरा है देखिए, ये रूम में क्या है कुत्ती धरा है। और तो क्या कैमरा मैन इस हाथ में खाइए, देखिए घर का रूम है, ये स्कूल का रूम है, क्या देखिए स्कूल में सोनी क्या रखता है, कैसा स्कूल है भाई अभी तक ये ऐसा स्कूल, क्या बच्चे लोग पढ़ने नहीं आता तब कैसा पढ़ने नहीं आता, बोले क्यों नहीं आता है पढ़ने, आप लोग यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, अब लैट्रिन भी खराब है, अब पानी भी का व्यवस्था नहीं है, कैसा सरकार क्या कर रहे हैं आप लोग कि लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है, क्यों चप्पल का भी व्यवस्था नहीं है, पानी का नहीं रास्ता है, लगे कैसा वहाँ निजात से भेज रहा कैसा हालत है स्कूल का, क्या क्या स्कूल में है। अब देख रहे मेरा उजागर बेटा, मेरा नाम सरफराज खान, यहाँ मद्देनजर रखते हुए मेरे बाप को इस स्कूल को जो भी व्यवस्था करवाना है तो करवा ले, और मास्टर को भी ये कहता है कि स्कूल का भी पैसा आता है लेकिन स्कूल का रिपेयरिंग क्यों नहीं कर पाता। देखा आपने वीडियो, कितनी शर्म आती है इस देश के ऊपर, जो हमारी जो मूल सुविधाएं उस पर बात नहीं होती, चिकित्सा पे बात नहीं होती है, महंगाई पे बात नहीं होती है, आप देखिए स्कूलों की हालत क्या है उस पर बात नहीं होती है, और जब वोट मांगनी होती है तो तरह तरह के वादे आपसे किए रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इस बच्चे को हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। किस प्रकार से इस बच्चे ने एक प्रयोग किया है, हालांकि इस बच्चे की जो एज है वो बहुत छोटी, लेकिन इसकी सोच आप देखिए कितनी बड़ी है। इस बच्चे ने छोटे छोटे जुगाड़ लगा के एक वीडियो बनाया और वीडियो पूरी तरह से देश में वायरल हो गया और ये सच्चाई दिखा रही है इस देश की। आप देखिए कि किस प्रकार से हमारी जितनी भी सरकार है वो काम कर रही है। शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को कि आज की तारीख में 75 साल 75 साल बाद भी हम बोलते हैं कि हम देश आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी किस तरफ जा रही है। एक तरफ हम तिरंगा घर घर में तिरंगा बना रहे, अच्छी बातें होना चाहिए लेकिन तिरंगा मनों में होना चाहिए, लेकिन हर घर में शिक्षा भी होनी चाहिए जिस प्रकार से इस बच्चे ने दिखाया है। और मैं इस बच्चे को सलाम करता हूँ, आप देखते रहिए मेरी ऐसी खबरें जनतक, पंकज वेदी जनतक पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस प्रकार की वीडियो इस बच्चे को फेमस कर दीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए, मेरी आपसे ये गुजारिश है।